सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आंगनवाड़ी केंद्र से रिलेटेड है। जैसा कि आंगनवाड़ी सेविका का जो पद होता है, उस पद से एक आंगनवाड़ी सेविका ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, इसके पीछे कारण क्या है, आइए हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। जैसा कि हम और आप लोग जानते हैं कि एक आंगनवाड़ी सेविका का पद पाना आज के टाइम में कितना मुश्किल हो गया है। चलिए इस खबर में देख लेते हैं कि इन्होंने अपना पद क्यों छोड़ा है। अगर आप भी एक आंगनवाड़ी सेविका हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं उस खबर की ओर। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो सेविका है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है। ये जो खबर है वो बिहार के हाजीपुर ज़िले से आ रही है और ये खबर दैनिक भास्कर में छापी गई है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि शीर्षक में लिखा गया है, उप मुख्य पार्षद बनने के लिए सेविका ने अपने पद से दिया इस्तीफा। यहाँ पे नीचे में आप देख पाएंगे कि गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है और ये सेविका है जिन्होंने अपने हाथ में ये त्याग पत्र ली हुई है। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि अपने समर्थकों के साथ त्याग पत्र दिखाती सेविका। तो यही सेविका है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए नीचे खबर को विस्तार से देख लेते हैं। नवगठित नगर पंचायत जंदहा के उप मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार बनने को लेकर आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 110 पर कार्यरत अरनिया निवासी सेविका शोभा कुमारी ने अपने पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। शोभा कुमारी ने बताया कि जंदहा नगर पंचायत के आम जनता की विशेष मांग पर उन्होंने यह निर्णय लिया है। तो इन्होंने जो ये निर्णय लिया है वो अपने गांव के जनता के लिए निर्णय लिया है कि अब वो सेविका के पद पर नहीं रहेंगी। उनके पति गामा सिंह वर्षों से जंदहा के लोगों की सेवा में जुटे रहे। गामा सिंह निवर्तमान सरपंच भी रहे हैं और सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सेवा भावना को देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने उन्हें विशेष दबाव देकर सेविका का पद छोड़ उप मुख्य पार्षद में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मंगलवार को अपना इस्तीफा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के समक्ष सौंप दिया। उन्होंने बताया कि समाज सेवा में हमारी रुचि है, लंबे अरसे तक सरकारी सेवा में कार्यरत रहे हैं। तो ये जो पति पत्नी हैं जो समाज सेवा के लिए काफ़ी दिनों से ये कार्यरत हैं, इसी कारण से जो है कि सेविका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब लोगों के भावनाओं का कद्र करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उप मुख्य पार्षद के लिए 23 सितंबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो आंगनबाड़ी सेविका है वो उप मुख्य पार्षद बनने के लिए और अपने गांव समाज में बदलाव लाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। तो बस आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।